हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एम्बेसी ऑफिस शेयर के बारे में। दोस्तों, एम्बेसी ऑफिस शेयर के बारे में बात करें तो इसमें गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिला था दिसंबर 2023 को। उसके बाद शेयर में लगातार तेज़ी देखने को मिली। फिर से शेयर अपने मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। यहाँ पर अगर आप बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 330 रुपये का। चलिए अब जानते हैं एक्सपर्ट की इस पर क्या राय है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, इतना तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू और मार्केट प्राइस सिमिलर है। और मैं एक बात बताऊं कि देखिए, एम्बेसी आरईआईट में जो बड़ा ट्रिगर है वो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के मर्जर के बाद आगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की जो लैंड बैंक है वो 2018 से बुक वैल्यू के हिसाब से है, और आज के हिसाब से अगर हम उस लैंड बैंक को वैल्यू करें तो डेफिनेटली इसमें मोटा पैसा एम्बेसी बनाएगा। पूरी इंटीग्रेशन होने के लिए शायद आपको एक साल भर रहना पड़े, बट मेरे ख्याल से साल सवा साल का अगर इनका नजरिया है तो डेफिनेटली इनको एक अच्छा खासा अपसाइड मिलेगा, क्योंकि मार्केट ये ट्रिगर पॉइंट को बहुत टाइम से वेट कर रहा है। मोस्ट ऑब्वियसली अगले 3 से 4 महीने में ये पूरा जो मर्जर का प्रोसेस है एम्बेसी के साथ, ये कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा, और उसके बाद आपको स्टॉक में एक अच्छी रेटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी सारी ज्यादातर लैंड बैंक मुंबई बेस्ड है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी अच्छी आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे होल्ड करें, बट टाइम फ्रेम कम से कम 12 से 15 महीने का यहाँ पे रखना जरूरी।